रायबरेली से राहुल गांधी ने आज उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी के अपना नामांकन दाखिल कर लिया, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से एक भावुक ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पहली प्रतिक्रिया उनकी आई है, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी माँ ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये ट्वीट राहुल गांधी की ओर से किया गया है। आपको बता दें राहुल गांधी सस्पेंस खत्म हुआ, अटकलों का बाजार खत्म हुआ। राहुल गांधी ने सबको चौंकाते हुए अमेठी छोड़कर रायबरेली से अपना नामांकन भरा, यानी कांग्रेस की रणनीति अपनी सुरक्षित सीट को बचाने की, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने राहुल गांधी को सौंपी। भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। अब सवाल ये कि आखिर इतनी माथापच्ची और सस्पेंस को बनाने के बाद कांग्रेस के इस फैसले के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? अगर रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों से गांधी परिवार लड़ता तो एक बार फिर परिवार वाला मुद्दा खड़ा होता, ऐसे में केएल शर्मा को टिकट देकर स्मृति ईरानी के खिलाफ सामान्य चेहरा उतारा। कांग्रेस खुद को बीजेपी के नैरेटिव में फंसने से बचना चाहती है, अमेठी की बजाय रायबरेली की सीट सुरक्षित होने की वजह से दिल के बजाय दिमाग से काम लिया गया। खोए हुए गढ़ को बचाने से ज्यादा आसान बचे हुए गढ़ को सुरक्षित करने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में यूपी में सिर्फ रायबरेली की सीट ही कांग्रेस जीती थी। सूत्रों की माने तो इस पूरी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली को लेकर कई इंटरनल सर्वे कराए, जिसमें दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की बात सामने आई, लेकिन जीत हार के खेल में बड़ा अंतर। करीब 16 सर्वे का जो निष्कर्ष निकला उसके मुताबिक गांधी परिवार के रायबरेली में जीतने के चांस 100% हैं, जबकि अमेठी में 50%, जिसको लेकर कांग्रेस ने आगे की पूरी रणनीति बनाई और लंबे मंथन के बाद राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर मुहर लगी। राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो सोच समझ कर दाव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे में राहुल को अपने एजेंडे के हिसाब से घेर रही है, जहां अब एक बार फिर नैरेटिव की सियासत तेज हो गई है। पहला, बीजेपी अब संदेश दे रही है कि अमेठी न लड़ने की वजह राहुल का डर है। दूसरा, राहुल गांधी ने पहले चुनाव का ऐलान न करके वायनाड की जनता को गुमराह किया, यानी रायबरेली उनका दूसरा विकल्प। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? सब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। हालांकि तमाम सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, वो है परिणाम। अब ये भी समझना होगा कि भले ही राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना हो, लेकिन क्या कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट पूरी तरह से सुरक्षित है? पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार यहाँ कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, तो वहीं बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2009 में सोनिया गांधी को यहाँ करीब 72% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी इस वक्त करीब 4% वोट ही पाई थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस का वोट फीसदी जहाँ 8% गिरा, वहीं बीजेपी को 17% का फायदा हुआ। 2019 आते आते कांग्रेस के वोट में करीब 8% की गिरावट हुई, तो वहीं बीजेपी का ग्राफ एक बार फिर 17% बढ़ गया। अब इस खेल को जीत हार के अंतर से समझे तो 2019 में कांग्रेस जहां 68% के बड़े अंतर से जीती थी, तो वहीं 2014 में ये अंतर 42% हो गया, जो कि 2019 में और घटकर 17% तक पहुंच गया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे।
लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब सवाल यह है कि अगर रायबरेली में भी कांग्रेस का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा है तो राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट को कैसे बचाएंगे, उसके पीछे की गणित को भी समझ लेते हैं। रायबरेली में विधानसभा की बात करें तो यहां 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी के पास है जबकि 4 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस यहां 1 भी सीट नहीं जीती है जबकि 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को मिला दे तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव की 5 सीटों में करीब 3,81,000 वोट मिले जबकि समाजवादी को करीब 4 लाख और कांग्रेस को करीब 1,40,000 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट को मिला दे तो आंकड़ा 5,42,000 के पार चला जाता है जो कि बीजेपी से ज्यादा है। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहाँ से रायबरेली का परिणाम बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। बहरहाल अमेठी खोने के बाद अब राहुल गांधी के सामने रायबरेली को बचाने की चुनौती है। ये कांग्रेस के लिए नाक और साख की लड़ाई है। अमेठी और रायबरेली से मौसमी सिंह, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की रीढ़ नहीं बनी है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नाव सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।